आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट वन हिस्ट्री ऑनर्स का, ये पेपर टू है और पेपर टू का हम लोग चैप्टर जो थ्री तक अच्छा से कंप्लीट कर लेते, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते, भौगोलिक खोज था। अब भौगोलिक खोज में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, तो आप लोगों का सबसे बड़ा सवाल होगा उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बहुत महत्वपूर्ण है तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने क्यों नहीं करवाया, इसलिए नहीं करवाया कि हम लोग को जल्दी जल्दी चैप्टर खत्म करना है, थोड़ा सा हम लोगों का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा देर हो गया है, सिलेबस थोड़ा धीरे धीरे हम लोग पढ़ रहे हैं, इसीलिए अब थोड़ा जल्दबाजी में हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान समझिएगा, धर्म युद्ध के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर इस पर आपने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होगा तो समझ लीजिए कोई भी क्वेश्चन आएगा सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। धर्म युद्ध क्यों हुआ था, आचार्य धर्म युद्ध ये कब से चला था, 1095 से लेकर 1291 तक, लगभग दो शताब्दियों तक चला था, ये ध्यान रखिएगा, लगभग कितना शताब्दी, दो शताब्दी तक चला था। अब एक और बात आपको समझने की जरूरत है, जिसके कारण ये धर्म युद्ध हुआ, दो लोगों के बीच में हुआ, आज वो चीज जो है वो तीसरे के पास में, मतलब समझिए ये धर्म युद्ध एक जमीन के लिए हुआ था, किसके लिए, एक जमीन के लिए हुआ था, और आज ये जमीन उन दोनों लोग, दो लोग मान लीजिए लड़े, ये ए है, ये क्या है, बी है, ये लोग इस जमीन के लिए लड़ाई किए थे और ये लड़ाई दो शताब्दियों तक चला था, आज वो जमीन किसी तीसरे के, सी के पास में है। आज वही हम लोग बात करेंगे, वो जमीन कौन सा था, धर्म युद्ध किसके लिए हुआ, क्या हुआ, पूरा विस्तार से बात करेंगे, आप इसको अंत तक देखते रहिएगा। समझिए धर्म युद्ध क्या था और ये लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी। धर्म युद्ध से ही आपको समझ में आ रहा है कि धर्म के लिए युद्ध हुआ था। और एक और बात समझिए, जब भी धर्म पर बात आता है ना, तो गरीब अमीर, यहाँ गरीबी अमीरी नहीं देखी जाती है, धर्म मतलब एक धर्म के लोग तो एकजुट हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं, और गरीबी अमीरी भुखमरी अपराधी सब कुछ नहीं देखा जाता, सब एकत्र हो जाते हैं और एकत्र होकर लड़ाई चालू कर देते हैं। आप धर्म के लिए लोगों को लड़ते हुए देखे हैं ना, शिक्षित हो अशिक्षित हो कोई भी हो, बस इसको मतलब है बस धर्म से अपने कि धर्म। ये जो युद्ध चला था दो शताब्दियों तक चला, ध्यान रखिएगा कितना, दो शताब्दियों तक ये युद्ध चला था। और ये दो शताब्दी कब से कब तक, समझ लीजिए कि ये लगभग 1100 ईस्वी हो गया, 1100 ईस्वी पूरा और लगभग 1200 ईस्वी भी लगभग पूरा ही था, मतलब दो शताब्दियों तक ये युद्ध चला। और ये युद्ध, आप एक और बात कहिएगा, दो शताब्दी तक कैसे युद्ध चल सकता है, 200 वर्ष, दो शताब्दी मतलब 200 वर्ष, कैसे 200 वर्षों तक युद्ध चल सकता है। अभी देखिए रूस और यूक्रेन में हुआ है ना युद्ध, कितना सालों से चल रहा है, यहाँ लगभग 1.5-2 साल हो गया ना, 1.5-2 साल से चल रहा है, अभी कितना चलेगा अभी पता नहीं, ये नॉर्मल युद्ध है तो इतना चल रहा है। और वो क्या था, वो धर्म युद्ध था, धर्म के लिए युद्ध किया गया था। और एक बात समझिए, वो युद्ध एक ही युद्ध नहीं था, इसमें लगभग बहुत सारे युद्ध, 10 से 12 युद्ध हुए, जिसमें से 7 युद्ध महत्वपूर्ण है, हम लोग समझेंगे उन युद्धों के बारे में, कौन कब कैसे जीता। अब ये युद्ध क्यों हुआ था और किस जमीन के लिए हुआ था, समझिए देखिए ये युद्ध हो रहा था जेरूसलम के लिए, जेरूसलम जो कि वर्तमान में इजराइल में है, जेरूसलम जो कि वर्तमान इजराइल की राजधानी है, ठीक उस समय फिलिस्तीन में था, इजराइल के बगल वाला ही देश फिलिस्तीन है, ध्यान रखिए। तो उस समय इस सारे क्षेत्र फिलिस्तीन में आते थे, तो उस समय ये सब फिलिस्तीन का हिस्सा था, लेकिन अब जो है ये जेरूसलम ये किसका हिस्सा है, इजराइल का हिस्सा है। तो ये जेरूसलम के लिए ही युद्ध हुआ था, और किसके किसके बीच हुआ था, दो धर्मों के बीच हुआ था युद्ध, किसके किसके बीच हुआ था, ये जेरूसलम के लिए युद्ध दो धर्मों के बीच में, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म के बीच हुआ था। अब आप कहेंगे इस जमीन में ऐसा क्या था, जेरूसलम में ऐसा क्या है, क्या था या क्या है, अभी ऐसा क्या है। देखिए दोनों धर्मों के लिए, इस्लाम के लिए भी और ईसाई धर्म के लिए भी, दोनों धर्मों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र था। महत्वपूर्ण क्षेत्र कैसे था, ईसाई धर्म के जो प्रमुख किनको माना जाता है, ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक किसको माना जाता है, ईसा मसीह का यहाँ पर बचपन बीता, युवा अवस्था बीता था, और उसके बाद यहाँ पर इनका जो प्रथम उपदेश यानी पहला प्रवचन दिए थे, प्रथम प्रवचन, अंतिम प्रवचन, ये सब, और यहाँ पर यहाँ इनकी समाधि भी है, किनकी समाधि है, ईसा मसीह की यहाँ पर समाधि है। तो इसीलिए ईसाई धर्म वाले लोग समझते हैं कि ये इनके लिए क्या है, एक पवित्र भूमि है, ईसाई धर्म के लिए लोगों के लिए क्या है, ये
यह एक पवित्र भूमि है। ईसाई धर्म के लोग समझते हैं कि ये इनके पवित्र भूमि, समझते क्या है ही। अब इस्लाम धर्म के जो प्रमुख है वो कौन है, मुहम्मद, पैगंबर मोहम्मद साहब है, ठीक। तो ये माना जाता है इस्लाम धर्म में कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जो स्वर्ग की यात्रा प्रारंभ हुई थी वो यही यरूशलेम की पहाड़ियों से प्रारंभ हुई थी, उनकी स्वर्ग की यात्रा यरूशलेम की कहां से, पहाड़ियों से प्रारंभ हुई थी। इसीलिए ये इस्लाम धर्म के लिए भी यरूशलेम खास था। तो आपके मन में ये सवाल होगा कि खास था तो करते ये कि दोनों लोग अपने सहमति बनाकर और दोनों लोग अपने अपने मान लीजिए, ऐसा तो थोड़े होगा कि यहीं पर ईसाई धर्म के लिए यहीं पर बनाया गया और यहीं पर इस्लाम, नहीं, यरूशलेम बड़ा था तो यरूशलेम अलग अलग जगहों पर, मतलब अलग अलग जगह ही होंगे, तो ये दोनों लोग सहमति बनाकर और रहते साथ में, क्या दिक्कत है। देखिए दिक्कत ये था कि ये पहले यरूशलेम पर ईसाइयों का कब्जा था, 638 ईस्वी में, कब 638 ईस्वी में, जब अरबों का शासन मजबूत हुआ, अरब यानी कि इस्लाम धर्म वाले अरबों का शासन मजबूत हुआ तो उन्होंने किस पर आक्रमण किया, यरूशलेम पर आक्रमण करके और यहाँ पर अपना सत्ता स्थापित कर लिया। अब सत्ता जब यहाँ पर स्थापित इन्होंने कर लिया तब ये दिक्कत किनको होने लगी, ये दिक्कत होने लगी ईसाई धर्म के लोगों को। ईसाई धर्म के जो पोप थे, ईसाई धर्म के कौन थे पोप, ईसाई धर्म के प्रमुख, जैसे अलग अलग धर्मों में पूजा पाठ करवाने वाले लोग जो होते हैं, यानी कि वो धर्म गुरु होते हैं ना, तो इसमें धर्म गुरु पोप होते हैं, ठीक। तो उस समय जो पोप थे ये 638 ईस्वी में, इनका कहना था कि नहीं, उस पवित्र भूमि पर हमारा अधिकार होना चाहिए, और दूसरा को किसी को तो ये कहते थे पोप कि इस भूमि पर अभी विधर्मियों का अधिकार है, इस्लाम धर्म का अधिकार हो गया था, तो ये पोप का कहना था कि ये विधर्मियों का अधिकार है, इस पर हमारा अधिकार होना चाहिए। लेकिन अधिकार कैसे कीजिएगा जब आपका राजा ही ताकतवर नहीं है, तो ईसाई धर्म के राजा ताकतवर होने चाहिए तब ना इस यरूशलेम पर आक्रमण करके यहां से अरबों का शासन खत्म करेंगे। अरबों का शासन कैसे खत्म करेंगे, अरबों का शासन खत्म करने के लिए आपके पास ताकतवर राजा होना चाहिए, जबकि इनके पास कोई ताकतवर राजा था ही नहीं, 638 ईस्वी की बात कर रहे हैं। अब क्या हुआ, धीरे धीरे पोप द्वारा सभी राजाओं को संगठित किया जाने लगा, जैसे फ्रांस के राजा हो गए, इटली के राजा हो गए, ऑस्ट्रिया के राजा हो गए, ये लोग आपस में लड़ते रहते थे, तो पोप द्वारा इनको संगठित करने का प्रयास किया गया। और देखो बात समझो, अगर बात धर्म पर होगी, अगर बात धार्मिक मामलों पर होगी तो सर्वोच्च कौन होगा, पोप। सबकी नजर किस पर रहेगी, पोप पर रहेगी, समझिए। अगर कोई भी धार्मिक मामला उठता है तो सबसे ज्यादा फोकस जो मीडिया का कैमरा रहा था, उस समय मीडिया नहीं था, अभी की बात कर रहे हैं, मीडिया का कैमरा किस पर रहता है, धर्म गुरुओं पर रहता है, धर्म गुरुओं से बात समझी जाती है, उनसे बात सुनी जाती है कि वो इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं, ठीक। वैसे ही अब पोप का जो धीरे धीरे वैल्यू हो रहा था वो खत्म हो रहा था, इन्होंने कहा कि रुको वैल्यू अपना बढ़ाते हैं, कैसे वैल्यू बढ़ाना होगा, तो वैल्यू बढ़ाने के लिए ये बार बार कहते थे कि नहीं, इस जो धरती पर है यहाँ पर यरूशलेम में हमारा अधिकार होना चाहिए, ठीक है, यरूशलेम। और एक बात, इन अरबों का अधिकार यरूशलेम में हो गया था, ऐसा नहीं था कि यरूशलेम में ईसाई धर्म के लोग नहीं जाते थे, या वो अपने जो तीर्थ स्थल था, और क्या था, देखिए और एक दो बात था, रोमन साम्राज्य का जो शासक था कॉन्स्टेंटाइन, रोमन साम्राज्य ध्यान रखिएगा, रोमन साम्राज्य में ही वो, रोमन साम्राज्य का जो शासक था बहुत ताकतवर शासक था, उसने ईसाई धर्म ग्रहण किया था, रोमन साम्राज्य का पहला शासक जो ईसाई धर्म ग्रहण किया था कॉन्स्टेंटाइन था, कॉन्स्टेंटाइन था, ध्यान रखिएगा, यही था जो सबसे पहले ईसाई धर्म ग्रहण किया था। इसकी माता जी द्वारा एक यरूशलेम में ही होली सेपल्कर नामक एक चर्च का निर्माण करवाया गया, होली सेपल्कर नामक चर्च का, क्योंकि ये लोग ईसाई धर्म मानते थे, तो इन्होंने होली सेपल्कर नाम से एक चर्च का निर्माण करवाया, चर्च जो कि बहुत ही फेमस चर्च था, तो लोग यहाँ पर जाते थे, ये पहले की बात कर रहे हैं उस समय, तो लोग यहाँ पर जब अरबों का शासन स्थापित हो गया तो होली सेपल्कर में भी लोग
मतलब जाते थे, कोई दिक्कत नहीं था ईसाई धर्म के लोगों को। लेकिन पोप को क्या था, यहाँ पर अधिकार हमारा होना चाहिए, हमारे धर्मों के लोग को होना चाहिए। और पोप का धीरे धीरे क्या हो रहा था यहाँ पर, इनका धीरे धीरे वैल्यू कम हो रहा था। जब वैल्यू कम होता है तो कुछ ना कुछ तो करना होता है ताकि फोकस अपने पर आए। और अपने पर फोकस कब आएगा, धर्म गुरु पर फोकस कब आएगा, जब धार्मिक मामला में कोनो ना कोनो बड़का बड़ा कोई ना कोई दिक्कत समस्या होगा। तो अगर दिक्कत समस्या नहीं होगा तो याद क्यों किया जाएगा। देखो इलेक्ट्रीशियन को आप क्यों याद करते हैं, याद करने का मतलब इलेक्ट्रीशियन को क्यों बुलाते हैं घर पर, जब घर में कोई बड़ा सा नुकसान हो जाए, छोटा सा तार जोड़ना होता है, बल्ब लगाना होता है, तो इलेक्ट्रीशियन को बुलाया जाता है, नहीं अपने से देख लिया जाता है। कोई बड़ा सा डिफिकल्ट कोई काम होता है तो इलेक्ट्रीशियन को बुलाया जाता है। या कोई भी काम करने वाले को कब याद करें, डॉक्टर के पास कब जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा मामला थोड़ा सा बिगड़ जाता है तब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर की सलाह लेते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ मामला बिगड़ना चाहिए तभी तो पोप आएंगे सामने। अब हुआ क्या, अभी तक तो राजा ठीक ठाक ताकतवर नहीं थे, ये हुआ क्या 1495 में जो अरबों के जो शासक था, जो अरब शासक था, सॉरी 1095 में जो अरबों के जो प्रमुख शासक थे, जो कि सबसे ताकतवर, जो सबसे ताकतवर शासक थे, उन उस शासक की मृत्यु हो गई। सबसे ताकतवर शासक की क्या हो गई, अरबों की जो सबसे ताकतवर शासक उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होते ही उसका राज्य हो गया अब बिखर गया। क्या हुआ, मृत्यु होते ही उसके दरबार वाले आपस में उलझ गए, राज्य बिखर गया। राज्य बिखरने के बाद क्या होगा, देखिए एक बात समझिए, अगर कोई भी मान लीजिए देश की प्रमुख कोई भी प्रधानमंत्री है, ठीक, प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए तो देश क्या हो जाएगा, आप कहेंगे देश बिखरेगा कैसा, अरे तबाह तो हो जाएगा ना, कुछ देर के लिए परेशान तो हो जाएगा ना, नया प्रधानमंत्री जब तक नहीं आएंगे। हम मानते हैं देखो अभी अभी सिस्टमेटिक तरीका सब कुछ चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जिस समय राजा थे तो भगदड़ तो मचेगा ना, राजा की अचानक मृत्यु होगी, राजा कौन बनेगा, नया ये कौन होगा, कुछ दिन तक उलझे रहेंगे। जैसे ही मृत्यु हुई पोप को लगा कि ये बहुत ही सही समय है, एकदम सही समय है जेरूसलम पर आक्रमण करने का, सही समय है जेरूसलम पर आक्रमण करने का और सभी लोगों को एकत्र करने का। एकत्र करने के लिए देखिए एक और बात, जेरूसलम पर ऐसे अधिकार नहीं कर सकते। पोप को भी पता था कि इतने बड़े बड़े, अगर फ्रांस समझिए, फ्रांस इटली ऑस्ट्रिया ये सारे देश भी मिल जाएंगे ना, तो इन अरबों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, ये बात पोप को पता थी। तो जब मुकाबला नहीं कर सकते तो इसमें किसको शामिल करना पड़ेगा, आम जनता को। जब भी कोई बड़ा सा काम करना होता है उसमें आम जनता का सहयोग बहुत जरूरी होता है। और आम जनता में कौन लोग आते हैं, पढ़े लिखे, बिना पढ़े लिखे मतलब शिक्षित अशिक्षित, बच्चे बूढ़े, सभी लोग आते हैं। एक बड़ा परिवर्तन लाना, बड़ा सा क्रांति लेकर आना, तो सारे लोगों के सहयोग की जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि कुछ वर्गों का सहयोग ले लें और उसके बाद हम कर लें, नहीं। कभी भी देखिए किसी लीडर का अगर पूरा एकदम लहर चलता है ना, लहर का मतलब ये हुआ, मान लीजिए किसी लीडर के, मान लीजिए कोई लीडर हो गया, ठीक, ये लीडर हो गया, इसको बहुत भारी बहुमत से जीतना है, बहुत भारी बहुमत से जीतना है तो क्या करना पड़ेगा, बहुत भारी बहुमत से जीतना है तो इसको करना ये पड़ेगा कि अपना जो फैन फॉलोइंग है वो सभी के पास पहुंचाना पड़ेगा, शिक्षित लोग अशिक्षित लोग, जो इंटरनेट चला रहे हैं वो, जो नहीं चला रहे हैं वो, सबको शामिल करना होता है, तभी आप जीत सकते हैं और वो भी भारी बहुमत से जीत सकते हैं। ठीक वैसे ही पोप द्वारा एक प्लानिंग किया गया कि अगर इसमें लोगों को सम्मिलित करना है तो समझ लीजिए सभी लोगों को सम्मिलित करना पड़ेगा। लेकिन एक बात समझिए, कोई गरीब आदमी, बेरोजगार आदमी या बच्चा बूढ़ा आपके साथ क्यों खड़ा होगा, किस मुद्दे पर खड़ा होगा आपके साथ में, ये मुद्दा एक ही मुद्दा होता है, धार्मिक मुद्दा। इसके अलावा आप अशिक्षा, बेरोजगारी, कितना भी भ्रष्टाचार कीजिए, बहुत कम ही लोग आपके खिलाफ खड़े होंगे। अगर आप लीडर हैं, हम ये नहीं करेंगे भ्रष्टाचार करना है, अगर कोई लीडर है कितना भी भ्रष्टाचार कर रहा है ना तो उसके खिलाफ लोग नहीं खड़े होंगे। अगर वही धर्म के विरुद्ध बोल दे कुछ भी तो फिर दिक्कत समस्या में पड़ जाएगा, कितना भी बड़ा हो, ध्यान रखिएगा। इसीलिए सारे लीडर धर्म से मतलब धर्म के खिलाफ नहीं बोलना चाहते हैं। ठीक, पोप ने क्या किया, देखिए पोप ने कौन सा काम किया, इस सबको लिखते जाइएगा, ध्यान रखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। देखिए पोप ने किया क्या,
पोप ने क्या किया, बहुत मतलब ऐसा हुआ था ना कि सारे लोग इसमें सम्मिलित होने लगे थे, किसी को ऐसा नहीं था कि हम नहीं सम्मिलित होंगे। देखिए पोप ने क्या किया था, देखिए पोप द्वारा क्या किया गया था। उस समय पोप थे पोप अर्बन द्वितीय, पोप अर्बन द्वितीय फ्रांस में, फ्रांस एक बड़ा क्षेत्र था, आज भी बड़ा क्षेत्र है, फ्रांस में एक बहुत बड़े फील्ड में क्या किया गया, बहुत बड़े फील्ड में एक बड़ा सा सभा का आयोजन करवाया गया। क्या आयोजन करवाया गया, सभा, और जिसमें सबको आमंत्रण दिया गया, बच्चे बूढ़े, जो मतलब बच्चे बूढ़े कृषक जो थे, किसान जो थे, किसानों के जो दास जो थे, नौकर, उन सबको कहा गया, अपराधी जो थे, जितने भी बड़े बड़े क्रिमिनल मतलब अपराधी, जितने भी बड़े बड़े अपराधी सबको कहा गया, सब आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सबको उस सभा में बुलाया गया। आप कहेंगे सभी लोग सभा में क्यों आएंगे, क्योंकि कहा गया कि धार्मिक सभा है और एक बहुत बड़ा चीज़ कुछ होने वाला है यहाँ पर। किसके द्वारा, ये फ्रांस में ये पोप के द्वारा कहा गया कि बहुत बड़ा चीज़ ये होने वाला है। अब देखिए हुआ क्या, यहाँ पर पोप का, वहाँ पर फील्ड में सारे लोग एकत्र हुए और पोप का भाषण शुरू हुआ। पोप भाषण में अपना क्या कहते हैं कि हम जिस धर्म को मान रहे हैं, ईसाई धर्म को हम लोग मान रहे हैं, ईसाई धर्म के लोग मान रहे हैं, और हमारे धर्म के जो ईसा मसीह है, इनका जो बचपन जहाँ पर बीता, युवा अवस्था जहाँ पर, ये हमारे लिए शर्म, देखिए क्या कह रहे हैं, ये हमारे लिए शर्म की बात है कि वैसा हमारा पवित्र भूमि विधर्मियों के कब्जा में। विधर्मी किसको बोल रहे हैं, जो अरबों का शासन था, अरबों को बोल रहे थे ये कौन, पोप, कि हमारा जो धार्मिक स्थल है वो विधर्मियों के कब्जे में, हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारा धर्म का जो मुख्य धार्मिक स्थल है वो विधर्मियों के कब्जा में है, जहाँ पर ईसा मसीह का बचपन बीता, युवा अवस्था बीता, जहाँ पर उन्होंने पहला उपदेश दिया, अंतिम में समाधि वहीं पर है, ये हमारे लिए एक पवित्र भूमि है, और वो भूमि बहुत सालों से विधर्मियों के कब्जे में, 638 ईस्वी से इनके कब्जे में था ना, अभी कब आ रहा है, ये कब हुआ था, ये हुआ था 1095 ईस्वी में। पोप ने क्यों समय ये देखा, क्योंकि अरबों के सबसे प्रमुख शासक की मृत्यु हो गई थी इसी समय, और इसीलिए पोप ने कहा कि अभी ही कहा जाए। जब ये बात सभी लोगों ने सुना, बहुत सारे लोगों को तो पता नहीं था, बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता था ना कि जो इजराइल है, इजराइल जो है, जेरूसलम, बहुत सारे इसमें लोगों को नहीं पता था, जेरूसलम जो है वो अरबों के कब्जे में है, बहुत सारे लोगों को तो पता नहीं था, मजदूरों को क्या पता होगा कि अरबों के कब्जे में है, किसके कब्जे में है, मजदूरों को, जो अपराधी होंगे, जो अपराधी थे, कृषक थे, महिलाएं थी, बच्चे थे, इनको थोड़े पता था सबको। देखिए अभी भी हमारे देश में, अगर अपने देश में घूमिएगा, और बहुत सारे ऐसे अशिक्षित लोग आपको मिल जाएंगे जिनको धर्म के बारे में पता है, सब कुछ के बारे में पता है, लेकिन अपना देश के बारे में नहीं बहुत कुछ पता है कि हमारा देश, अरे बहुत सारे लोगों को तो अपना जो राष्ट्रीय झंडा है उनके बारे में, उसके बारे में नहीं पता है, अपने देश की राजधानी के बारे में नहीं पता, बहुत सारी चीज़ें उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक वैसे ही इन सबके पास में इन्फॉर्मेशन नहीं था। पोप द्वारा ये कहा गया कि तुम लोग बताओ, ये शर्म की बात है, हम लोगों के जो पवित्र भूमि पर विधर्मियों का कब्जा है, और हम लोगों को वापस उस पर कब्जा करना है, इसलिए हमको युद्ध चाहिए, और युद्ध के लिए सबको आगे आना होगा। और सारे लोगों ने एक साथ कहा कि हाँ, हम आगे आएंगे और इसके योद्धा बनेंगे। और एगो नारा दिया गया, क्या नारा दिया गया यहाँ पर, नारा दिया गया, ध्यान रखिएगा, गॉड विल्स इट, मतलब ईश्वर की इच्छा है, क्या इसके हिंदी क्या होगा, ईश्वर की इच्छा है, क्या इच्छा है ईश्वर की, युद्ध करो और अपना भूमि अपने पास पाओ, अपना भूमि मतलब अपना पवित्र भूमि। और सभी लोगों को था कि अपने क्या करते थे, अपने यहाँ पर सीना पर जो क्रॉस का, जिसको सलीब कहा जाता था, सलीब ऐसे क्रॉस का, लाल क्रॉस का निशान, कैसा देखिए ये सलीब है, लाल क्रॉस का निशान ऐसे ही लगाकर अपने सीने पर लगाकर, और निकल गए सभी लोग। अब निकल गए, इसके योद्धा कौन कौन थे, सबसे बड़े बात है धर्म युद्ध के योद्धा होना चाहिए ना, धर्म युद्ध के योद्धा कौन कौन थे, ध्यान रखिएगा,
योद्धा कौन कौन थे? ये फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ये सारे देश तो थे, यहाँ के राजा तो थे ही, साथ में ये राजा तो बाद में ये राजा जो थे शुरू में राजा नहीं निकले, शुरू में कौन निकला? मजदूर, मजदूर, कृषक, कृषक के जो दास थे, महिलाएं, 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 बच्चे, बच्चे जो अपराधी थे, वो सभी लोग, मतलब जितने भी गरीब लोग थे, ये सब क्या किए? कुछ लोग पैदल निकल गए, कुछ लोग बैलगाड़ी से अपना भोजन लेकर निकल गए, कुछ लोग जहाज के रास्ते से लेकर निकल गए, तीन चार रास्ता अपनाए इन्होंने। कहाँ पर? ये जेरूसलम की ओर सभी लोग निकल गए, ध्यान रखिएगा। तो जेरूसलम तो एक दिन में पहुँचिएगा नहीं यहाँ से, ऐसा तो है नहीं कि हवाई जहाज़ से उड़ कर चले जाएंगे। आप जहाज़ से भी निकले तो इस समय की तरह बहुत तेज़ चलने वाली जहाज़ है। अब ऐसे भी इस समय कौन सी तेज़ जहाज़ चलती है? वो जो बड़ी बड़ी जहाज़ें आप देखते हैं, जो बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं, उनकी एवरेज स्पीड जो होती है 13 से 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है, बस इतना ही, 13 से 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। इसलिए तो 2 महीना, देखिए अगर दूर दूर जाना होगा इस शिप से, वो इस बंदरगाह से उस बंदरगाह, 1.5 से 2 महीने का समय लग जाता है। क्यों? इनकी स्पीड इतना कम होता है, तो उस समय जब आप नॉर्मल नाव जहाज पर जाएंगे तो उसकी स्पीड तो और कम होगी। तो ये लोग निकले, ये लोग यहाँ से निकले कब? 95 में, ध्यान रखिएगा, ये 95 में लोग निकले। अब क्या हुआ? 95 में लोग निकले तो पोप द्वारा अब इन राजाओं को भी संगठित किया जाने लगा, फ्रांस के राजा को, इटली के राजा को, इटली, ऑस्ट्रिया, ये सब तो आपस में लड़ते रहते थे, ऑस्ट्रिया, यहाँ के राजा को संगठित किया गया। और फाइनली ये लोग संगठित हो गए और 1098 ईस्वी में ये लोग भी पहुँच चुके थे, पहुँचने वाले ही थे, और 1098 ईस्वी में फाइनली ये लोग भी आक्रमण कहाँ पर कर दिए? जेरूसलम पर। 98 से 99 के बीच में ये युद्ध चला और जेरूसलम पर कब्जा हो गया इस्लाम धर्म के लोगों का। और कब्जा होते ही बहुत बड़ा विनाश हुआ। कैसे बहुत बड़ा विनाश हुआ? जब भी कोई एक धर्म का कोई युद्ध जीतता था ना कोई, तो समझ लीजिए यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं इनका जीना बहुत मुश्किल हो जाता था। क्या होता था? पूरे मतलब घर को तहस नहस, लोगों को मारना, लूटना उनको, मतलब ऐसा हो गया था ना यहाँ पर, यहाँ पर जो बाकी जो इस्लाम धर्म के लोग थे, यहूदी जो थे, उनका क्या था? उनको मारना, बहुत लोगों को यहाँ पर क्या किया गया था, इस्लाम धर्म के बोल रहे हैं यहाँ, हाँ, इस्लाम धर्म के जो लोग थे और यहूदी, दो को लोग थे क्योंकि इस्लाम धर्म का कब्जा था और यहूदी भी यहीं पर थे, तो इन दोनों को बहुत मतलब मारा गया। आप कभी भी सुनते होंगे ना कि ये युद्ध हुआ था, ये राजा जीता था, तो जब युद्ध होता है ना तो कोई एक राजा का कब्जा जब दूसरे राज्य पर होता है ना, इतना ज़्यादा विनाश होता है उस राज्य का, इतना ज़्यादा महिलाओं बच्चों को इतना ज़्यादा तकलीफ होता है जिसको मतलब जिसकी कोई आप अंदाजे नहीं लगा सकते, इतना ज़्यादा। क्योंकि जब ये सैनिक दूसरे राज्य पर टूटते हैं ना, देखते हैं ना कि वहाँ सारे अब हार गए हैं, तो ये जानवरों की तरह टूट जाते हैं और जानवरों की तरह टूट पड़ते हैं। और उसके बाद क्या क्या ये करते होंगे बाकी आप अपने से अनुमान लगा लीजिए क्या क्या करते होंगे। बहुत कुछ मतलब ऐसा चीज़ होता है ना कि आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते, ऐसा ऐसा काम होता है। तो चलिए यहाँ पर 1098 से 99 तक क्या हुआ? युद्ध हुआ और यहाँ पर इस्लाम धर्म का कब्जा हो गया, बहुत सारे लोगों को मारा गया यहाँ पर। और उसके बाद लेकिन क्या, ये जो ईसाई धर्म के लोग हैं वो इस्लाम धर्म का कब्जा बोल रहे हैं, ईसाई धर्म का कब्जा हो गया, उस इस्लाम धर्म के लोग यहाँ से क्या हुए, हट गए, और जेरूसलम पर फाइनली ईसाई धर्म का कब्जा हो गया। लेकिन क्या इस्लाम धर्म वाले चुप रहेंगे? अरे नहीं, ये लोग भी तैयारी में लग गए। अब 1100 ईस्वी आ गया, ये लोग भी तैयारी में लग गए। ये प्रथम युद्ध था, ध्यान रखिएगा, प्रथम धर्म युद्ध था। अभी और भी कई गो धर्म युद्ध होगा, तो हमें लगता है कि इतना बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। देखिए ये धर्म युद्ध किसके किसके, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म के बीच हुआ। खूब ये लोग लड़े, 7-8 धर्म युद्ध हुए, खूब लड़े, मतलब धर्म युद्ध 12-13 लेकिन प्रमुख 7-8 है, खूब लड़े। ये जो 200 वर्षों तक ये युद्ध चला, ठीक, लेकिन वर्तमान में कब्जा इस जमीन पर, इस धरती पर किसका है? यहूदियों का। वर्तमान में कब्जा किसका है? यहूदियों का कब्जा है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। जमीन किसी का नहीं होता, आज जिस जमीन पर आप हैं ना, आप पता नहीं लगा सकते कि 150 साल पहले इस जमीन पर कौन था, कोई और रहा होगा। अभी से 150 साल बाद कोई और रहेगा, उसके 150 साल बाद कुछ और होगा, उसके 150 साल बाद कुछ और होगा, समझ रहे हैं आप? जिस जमीन पर भी खड़े होंगे, बैठे होंगे, जहाँ पर होंगे ना, समझिए कि आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ अभी से 150 साल पहले
यहाँ पर कौन था, अभी से 150 साल बाद कौन होगा यहाँ पर, उसके आगे कौन होगा, कोई एक रहता ही नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिए कि हमारा ज़मीन है और हमारे ही वंशज हमेशा यहाँ पर रहेंगे, कोई नहीं रहेगा। अभी से 150 साल पहले भी आपके वंशज यहाँ पर नहीं थे, अभी आप हैं, आपके वंशज अभी से 150 साल बाद में भी यहाँ पर नहीं रहेंगे। ध्यान रखिएगा, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम होता है। तो चलिए, हमें लगता है इतना कुछ समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे, तो इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें समझ में आ गया होगा।